नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। खबर गोंडा जनपद के इटिया थोक थाना क्षेत्र का है, जहां बहराइच रोड स्थित मुंडेरवा माफी कस्बा बाजार भीषण कोहरे ठंड के चलते कपड़ों की दुकान में लाखों रुपए के कपड़े कुछ नगद रुपए लेकर चोर चोरी करके भाग गया। मामला थाना इटिया थोक क्षेत्र का है, जहां पर मुंडेरवा माफी बाजार में किराए की दुकान पर बाबा वस्त्र भंडार के नाम से दुकान कर रहे दुकान मालिक विनोद कुमार गोसाई शाम को 7 बजे दुकान बंद करके अपने घर चले गए। दुकान से काफी दूर दूसरे गांव में उनका घर पड़ता है। सुबह दुकान खोलने 8 बजे पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर के ऊपर से उजाड़, नीचे से शटर में ताला लगा हुआ था। रेडीमेड कपड़ा रखा लाखों रुपए का सामान चोर चोरी करके भाग गया और साथ ही कुछ नकदी रुपए भी लेकर भाग गया। पुलिस को दी गई सूचना पर मौके पर पहुंचे हल्का दरोगा व सिपाही ने घटनास्थल की पूरी जांच ली। वहीं गन्ने के खेत तक पुलिस छानबीन कर रही है, जहां पर कपड़ों के डिब्बे मिले। अज्ञात चोरों के खिलाफ दुकान मालिक विनोद कुमार ने थाना इटिया थोक में दी तहरीर। ब्यूरो रिपोर्ट। ये आपके यहाँ चोरी कब हुई है, क्या है, थोड़ा मामला बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार गोस्वामी, ग्राम देसा चैन का निवासी हूँ। मैं मुंडेरवा माफी बाजार में दुकान कपड़े की करता हूँ। आज रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई, जिसमें लगभग मैं 2-2.5 हज़ार रुपये नगद और 2.5-3 लाख के लगभग करीब सामान लेकर गया। हाँ, सामान बिखरा हुआ पड़ा है, कर रही है। जब थाने में तहरीर दी, अभी नहीं दी? अभी नहीं, देने जा रहा है, रात में दूंगा, नाम जब नहीं। 7:30 बजे दुकान पर आए तो देखा 8:30 बजे तोड़ करके ले गए, ताला लगा है, ऊपर शटर तोड़ करके लेकर गए। कई चोरियां हुई है इस लाइन में, पहले हुई है चोरी, 2-3 टूट गई है यहाँ पर। और चोरी कहाँ कैसे हुई है, थोड़ा बताया। मेरा नाम परमानंद गोस्वामी है। चोरी मुंडेरवा माफी में हुई है। हमारे भाई विनोद कुमार गोस्वामी, जो कि यहाँ कपड़े की दुकान करते हैं, रात शाम को शटर बंद करके गए। रात में शटर उजार दिया गया। सुबह 8 बजे सूचना मिला कि शटर उजरा पड़ा है। हम लोग आकर के देखे तो वहाँ पूरा सामान दुकान का गायब था। अच्छा। हाँ, 5 बार चोरी हुई है। एक साल में 5 बार यहाँ चोरी हुई है। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, न कोई पकड़ा गया। हम मौके पर पुलिस आई, सूचना दिया गया, पुलिस आई, तहरीर दिया गया, लाखों के सामान चोरी।